Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेंकी मामा और फन एंड फ्रस्ट्रेशन मूवी के बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन के बारे में। तो मैं आपको फर्स्ट डे से लेकर अभी तक इन दोनों मूवीज के कंपैरिजन के बारे में बताता आ रहा हूँ। तो इस वीडियो में भी आप जानेंगे कि वेंकी मामा ने अपने 11 डेज में टोटल कितना कलेक्शन कर लिया है और साथ ही साथ फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 मूवी ने कितना कलेक्शन किया था। तो वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखें और अगर आप भी वेंकटेश के और चैतन्या के फैन हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वेंकी मामा को आप सभी को पता होगा कि सैटरडे संडे ने बहुत अच्छा मूवी परफॉर्म किया है। मूवी ने अपने संडे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1,37,00,000 का कलेक्शन किया है। टोटल कलेक्शन हो चुका है 25,82,00,000 का और वर्ल्ड वाइड में 66,80,00,000 का ग्रॉस कलेक्शन। वहीं अगर 11th डे की बात करूं तो वेंकी मामा के आज के दिन की रिपोर्ट्स भी अच्छी आ रही है। कहीं ना कहीं अगर मूवी 50,00,000 के आसपास का कलेक्शन भी करती है तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 26,32,00,000 का और वर्ल्ड वाइड में अराउंड 69,00,000 के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन। तो जैसा आपको पता होगा कि वेंकी मामा का जो कलेक्शन है फ्राइडे तक वो काफ़ी ड्रॉप चला गया था, लेकिन रूलर मूवी उतना अच्छा परफॉर्म बॉक्स ऑफिस में नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं सैटरडे में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली वेंकी मामा मूवी को और संडे में तो मूवी ने कमाल ही कर दिया और जितना भी लोगों ने सोचा था उससे बढ़कर ही मूवी ने परफॉर्म किया। अब आपको बता दूं कि फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 ने अपने 11th डे में कितना कलेक्शन किया था। फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 की बात करूं तो मूवी ने अपने 11th डे में 2,03,00,000 का कलेक्शन किया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका था 49,15,00,000 का और वर्ल्ड वाइड में 95,10,00,000 का ग्रॉस कलेक्शन। यानी कि अगर आप इस कलेक्शन को देखें तो फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 मूवी 100,00,000 के काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी अपने फर्स्ट 11 डेज में। तो ये तो मूवी का बहुत बढ़िया कलेक्शन था फर्स्ट 11 डेज का और कहीं ना कहीं मूवी जो है सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। तो अभी भी अगर आप देखें दोनों मूवीज़ के कलेक्शन में काफ़ी गैप है, फन एंड फ्रस्ट्रेशन मूवी जो है काफ़ी आगे है, लेकिन फिर भी क्योंकि वेंकी मामा ने सैटरडे संडे में बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है तो ये मूवी के लिए काबिली तारीफ है। आपको क्या कहना है दोनों ही मूवीज़ के बारे में और कलेक्शन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें, शेयर डेफिनेटली करें और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चैतन्या के फ़ैन हैं और वेंकटेश के फ़ैन हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।